तो सब में वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप है तो सब में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वॉट अबाउट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एट एवरी स्टेप? देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट ऑल्सो इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी इंक्रीज करता है। ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियाई कम कैसे हो गया? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर इसे ओवर पावर कर देगा, ओवर पावर। ये फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है बच्चों? बहुत सारी बातें होती हैं, कहीं पे कोई फैक्टर ओवरकम कर देता है, कहीं एक दूसरा फैक्टर ओवरकम कर देता है। दिस नंबर ऑफ शेल फैक्टर इज मोर प्रोमिनेंट, दैट्स वाई इट ओवर पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड दिस फैक्टर ओवर पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो दैट्स वाई देयर विल बी एन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। ओके अंडरस्टूड? तो ये पूरा टॉपिक था स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियाई का। ओके okay?